लोक कविता लोक मस्ती, लोक संस्कार से जुड़ा रहना आदमी की सबसे बड़ी खासियत है। भीड़ से अलग एक पहचान बनाए रखना, घर में खुशियों की दालान बनाए रखना, मुश्किलें आएंगी तो आके लौट जाएंगी, अपने होठों पे मुस्कान बनाए रखना। शिकायत भी नहीं करता, बगावत भी नहीं करता, समझ लो शख्स वह तुमसे मोहब्बत भी नहीं करता। ये मोहब्बत के रंग लोक रस से आते हैं, लोक मिट्टी की खुशबू को लोक अंदाज में जिस रूप से युवा कवि प्रफुल्ल ने जीवंत किया है, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने कमाल का पढ़ा और बेगूसराय के लोगों के दिल में जाके उतर गए, अपनी गहरी छाप छोड़ी रचना के माध्यम से। और तीसरे क्रम पे मैं उस यशस्वी कवि को बुलाता हूं जो वकील भी हैं और खास करके उनका आत्मीय सम्मान भी कवियों के प्रति रहा है और आयोजन में भूमिका निभाने के तरफ भी रहे हैं कवियों को लाने में। और सबसे बड़ी बात रही है कि विपिन ईश्वर साहब को इसलिए हम सब धन्यवाद देते रहे हैं इस मंच के द्वारा कि परमार्थ में खर्च कर देना सबके बस की बात नहीं है। पैसे होंगे किसी के पास, होगा कोई बहुत बड़ा आदमी, लेकिन इतना बड़ा दिल लेकर के खर्च कर देना और इतने बड़ा यशस्वी स्वरूप दे देना और सिमरिया को एक नई ताजगी दे देना और राष्ट्र कवि दिनकर के रूप में इतना बड़ा आयोजन करा देना, ये सबके बस की बात नहीं थी। साहब मैं चाहता हूं कि उस महान व्यक्तित्व के लिए, उस फकीर के लिए जिसके पास इतना बड़ा दिल है, इतना बड़ा दिल है जिसकी परिकल्पना आप नहीं कर सकते, एक बार उन्हें दुआएं दीजिए और एक बार जोरदार ताली बजा के विपिन ईश्वर साहब को भी साधुवाद दीजिए, क्योंकि वही हमारे क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और आज इस मंचीय कविता को आगे रंग में रंगने के लिए, इस पूरे कायनात को अलग अंदाज देने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ बड़े शान के साथ अमरेंद्र कुमार अमर जी को, जो कि पत्रकार भी हैं और कवि भी हैं और वीर रस के कवि हैं, सामाजिक समरसता को जोड़ते भी हैं और राष्ट्रीय क्षितिज पे उनका नाम गुंजे, इसकी दुआएं आप दें। बापू के श्री चरणों में अपनी कविता निवेदित करने के लिए इस मंच पे आ रहे हैं। सिमरिया का गंगा की अंतःस्थली, मां वैदेही की स्मृति भूमि, राष्ट्रकवि दिनकर की जन्मभूमि और विद्यापति की आराध्य भूमि पर संबंध सरोकार समन्वय और सेवा के सबसे सशक्त हस्ताक्षर भोला बाबू को श्रद्धा निवेदित करते हुए मैं अपनी कविता पढ़ना चाहूं। उसके पहले इस संपूर्ण आयोजन को, जिसके पास दिल बड़ा है, धन भले छोटा हो, लेकिन एक बड़े दिल से जिसने समाज के समन्वय का, सरोकार को, संस्कृति को और साहित्य को एक बड़ा आयाम दिया, वैसे ही विपिन ईश्वर को हम धन्यवाद देते हुए अपनी कविता को प्रारंभ करना चाहते हैं। मेरी कविता का शीर्षक है कि मैं इंसान हूं, लेकिन उसके पहले मैं दिनकर की इस पंक्ति को दोहराना चाहता कि मैं पतझर की कोयल उदास, बिखरे वैभव की रानी हूं, मैं हरी तटी हिमसैल तटी की विस्तृत स्वप्न कहानी हूं। और मैं अपनी कविता का प्रारंभ करूं, मेरी कविता का शीर्षक है कि मैं इंसान हूं। हां, मैं इंसान हूं, इंसानियत के साथ जीना मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है आंसुओं के साथ जीना। इराक की गर्म हवा में इंसानी गोश्त की गंध मुझे बेचैन करती है, इराक की गर्म हवा में इंसानी गोश्त की गंध मुझे बेचैन करती है और अब मुझे अच्छी लगती है अपने खेत के, और मुझे अच्छी लगती है अपने खेत के अदरा नक्षत्र के पहले पानी के बाद की सुगंध। गौर करेंगे, मुझे अच्छा लगता है अदरा नक्षत्र के पहले पानी के बाद की सुगंध। मुझे तली भूंजी मछलियों से परहेज तो नहीं, हां मुझे उससे भी बहुत अच्छी लगती तैरती हुई मछलियां। मुझे तली भूंजी मछलियों से परहेज तो नहीं,
मुझे उससे भी बहुत अच्छी लगती, तैरती हुई मछलियां, मुझे मेमने की पिछली टांगों का गोश्त मुझे अच्छा नहीं लगता। हां, मुझे अच्छा लगता उन टांगों पर उछलता कूदता मेमना। सिख कबाब की महक सी मुझे मेमना की चीरी आंखों का खून देखने सेखने से सुनने देखने से रोक नहीं पाती। हां, मुझे अच्छा लगता फूल पौधों पर सींचा, टहनियों पर झूलता हुआ हार, और उससे भी अधिक अच्छा लगता है, हां, मेरे आंसुओं से मेरी आंखें नम होती है। हां, मेरे आंसुओं से मेरी आंखें नम होती है, मेरा चेहरा भी भीग जाता है। हां, मैं इंसान हूं, इंसानियत के साथ जीना मुझे अच्छा लगता है। मुक्त छंद की इस कविता के बाद हम तवज्जो चाहेंगे उनको समर्पित करना चाहेंगे जो हमारे बीच नहीं है। शहीदों को समर्पित हमारी ये कविता है। उस कविता को पढ़ने के पहले मैं दिनकर की उन पंक्तियों को गुनगुनाना चाहूंगा कि जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य बेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। जो अनगिनत लघुदीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जो जल जलाकर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुंह काले, बल कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। मित्रों, दूसरी कविता का हमारा शीर्षक है शहीदों की पुकार। एक ऐसी कल्पना जब शहीद की आत्मा भटकती है और भटकते भटकते वो आजादी के बाद के सिनारियों को देखता है तो वो क्या कल्पना करता है, उस कल्पना पर आधारित है मेरी ये कविता। शहीद की आत्मा चलते चलते एक व्यक्ति को पकड़कर कहने लगता है, कहता है, ओ पथगामी सुनते जाना, शहीदों के रक्त की बूंदों ने पुकारा, लगता है भारत मां के हो तू दुलारा। दुखती रगों में आज तक मैं चुप था, दुखती रगों में आज तक मैं चुप था, कहीं हरियाली कहीं छांह कहीं धूप था, महल बनता गया झोपड़ियां उजरती गई, शासक शासित की परिभाषा बदलती गई। महल बनता गया झोपड़ियां उजरती गई, शासक शासित की परिभाषा बदलती गई, फिर सोचा कोई प्रयोग हो रहा है, भारत के समारने का योग हो रहा है। फिर सोचा कोई प्रयोग हो रहा है, भारत के समारने का योग हो रहा है, लो अब मेरी समझ में आई, तूने गोरों की नीति खूब अपनाई। लो अब मेरी समझ में आई, तूने गोरों की नीति खूब अपनाई, गोरे चेहरे के बदले काले आ गए, रंग बदल के आले आ गए। ये कुर्सी की कहानी और दिल्ली का सफर, ये कुर्सी की कहानी और दिल्ली का सफर, ये घोटाले की दास्तां और लूट का नहर, ये नेता की वर्दी और राजनीति की दुकानदारी, लुटता गया देश और खजानों की पहरेदारी, लुटता गया देश और खजानों की पहरेदारी, झोपड़ियां धसती गई मिट्टी में मिलने को, महल की ऊंचाइयां बढ़ती गई गिनने को, गोरों के राज में भी तिरंगा झुका नहीं, आजाद मुल्क में भी तिरंगा झुकना रुका नहीं। मित्रों, लूट भ्रष्टाचार का तूने कैसा जाल बुना, लूट भ्रष्टाचार का तूने कैसा जाल बुना, विपन्न और असहाय भाई का कभी न हाल सुना, दिल्ली दिल्ली कर्म भूमि के बदले बनी भोग भूमि, विपन्न प्रावलंबित यह जन्मभूमि। आगे शहीद कहता है कि गौरों की गोली ने तो केवल मेरा खून बहाया, अरे गौरों की गोली ने तो केवल मेरा खून बहाया, तुमने तो मेरे सपनों के चमन में आग लगाया, तूने तो मेरे सपनों के चमन में आग लगाया। और फिर आगे शहीद कहता है कि लो इस कुर्सी का रहस्य खोलता हूं, ये बनी थी चमन के लिए यह बोलता हूं, और ये बनी ये बूंदे अब जलती मशाल बनेगी, ये बूंदे अब जलती मशाल बनेगी, चुप रह अब दर्द नहीं सहेगी, दूंगा ये मशाल देश प्रेमियों को, मिटाने अपने चमन के गंदे टहनियों को।
और आगे कहता है कि बहुत हो चुका अब मिटेगा तिमिर, देश मेरा प्राण का बहेगा समीर, हम देश के लिए देश के हम यही होगा जीवन मरते दम। और फिर बाद में शहीद कहता है कि यदि ऐसा होगा, यदि ऐसा हुआ तो चैन से सो जाऊंगा, चमन के फूलों के लिए दुआ मांगूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।